कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सीबू। गेम पोर्टल 3.0 की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम खेलने वाले हैं GTA 5। और फाइनली जो मेरे दो वीडियो में जो प्रॉब्लम हो रहा था वो फाइनली सॉल्व हो चुका है। ये देखिए फुल स्क्रीन में बढ़िया वीडियो आ रहा है। अब मैंने एक्चुअली कुछ चेंज किया है। मैंने पहले रिकॉर्ड करता था OBS स्टूडियो में, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। फिर मैंने अभी विंडोज 10 का जो डिफॉल्ट गेम कैप्चरिंग ऐप है या प्रोग्राम है उसका मदद लिया और आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो सॉरी गाइज, लास्ट टू वीडियो के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, लेकिन अब आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी मैं GTA 5 के आपके ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स से बहुत खुश हूँ। आप मुझे इसके हर वीडियो में सपोर्ट देते आए हैं और आई नो कि आगे भी आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो इस वीडियो का लाइक का मैं एम रखता हूँ लगभग 2000 लाइक का। आई नो यू मेगा आप पहुँचा देंगे यहाँ तक। तो अभी जाओ और लाइक का बटन दबाओ। फिलहाल तो हम GTA 5 का अगला मिशन खेल रहे हैं, जिसमें फ्रैंकलिन आया है वापस माइकल के पास में। पिछले बार फ्रैंकलिन और माइकल की मुलाकात हुई थी, जो कि बहुत अच्छी नहीं थी। फ्रैंकलिन को भेजा गया था माइकल के बेटे की कार को चोरी करने के लिए। हालांकि उसने चोरी कर भी ली थी, लेकिन माइकल पता नहीं पीछे बैक सीट में कैसे बैठा हुआ था। उसने गन पॉइंट पर फ्रैंकलिन को आगे ले गया और जहां तक वो शॉप में जिसके लिए वो काम करता था वहां तक ले गया। फिर माइकल ने अपने खतरनाक अंदाज में उसके जो बॉस था उसको अच्छा सबक सिखाया। बहुत मारा भाई। अगर वो वाला एपिसोड आपने मिस कर दिया होगा तो आप मेरे चैनल पे इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। एक्चुअली GTA 5 की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे वे में जा रही है, तो आप एक भी इसका पार्ट मिस नहीं करना चाहेंगे। तो अब उससे हुआ ये था कि माइकल के कारण फ्रैंकलिन की जॉब चली गई। अब फ्रैंकलिन वापस माइकल के पास आया है उसे सॉरी बोलने के लिए, और माइकल भी शायद उसे कुछ काम जरूर देगा। एक्चुअली फ्रैंकलिन जिस फील्ड में अभी घुस रहा है ना, उसमें से माइकल ग्रेजुएट होगा कब का निकल चुका है, इवन रिटायर होने वाला है वो। तो फ्रैंकलिन भी चाहता है कि माइकल से कुछ काम की बातें वो सीख ले, और माइकल भी फ्रैंकलिन में कोई अच्छा स्टूडेंट दिख रहा है उसको, इसलिए वो भी उसको कुछ चीज़ सिखाना चाहता है। तो अभी दोनों चल रहे हैं साथ में। अभी इसके सारे कंट्रोल्स मुझे देखने पड़ेंगे भाई, बहुत सारे कंट्रोल है, इतने सारे कंट्रोल है, पूरे कीबोर्ड का यूज़ होता है इसमें। तो अभी जैसे कॉल उठाना है तो मुझे पता नहीं कि किस की से कॉल उठाना पड़ेगा। तो अभी ये कॉल आ रहा है जिमी का, जो कि माइकल का बेटा है। तो उसका मैसेज भी आया है। एक्चुअली जिमी किसी मुसीबत में फंस गया है। एक्चुअली उसको किसी ने किडनैप कर लिया है, वो भी माइकल की याच के साथ में। तो अभी माइकल को जाके उसको बचाना है, वो भी फ्रैंकलिन के साथ में। और उसके लिए हम यूज करेंगे अमेंडा की चमचमाती लाल कार। वाओ क्या कार है भाई। GTA के ग्राफिक्स और ये कार का टेक्सचर वाकई में बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अभी हमको जाना है और याच का पीछा करना है। गो टू पैसिफिक ब्लिफ लिखा हुआ है, तो मैप में इसकी लोकेशन आ चुकी है। यहाँ से अपन को निकलना है। हमें उस याच का पीछा करना है जिसमें जिमी है, और पीछा करते हुए जिमी को बचाना है। तो आपके कमेंट्स से मुझे बहुत सारी चीज़ें इस गेम के बारे में पता चलता है। कुछ लोगों ने कमेंट करके मुझे ये बताया था कि जब भी आप कार में बैठते हैं तो उसका रेडियो ऑफ कर दिया करिए, क्योंकि कई बार इससे कॉपीराइट स्ट्राइक का आ सकता है प्रॉब्लम। बिल्कुल भाई, मैं इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक गलती से भी ना आ पाए, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है ज़्यादातर कॉपीराइट स्ट्राइक केवल और केवल गानों के कारण ही आते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने फिर से की को नहीं देखा, तो अभी मेरे को पता नहीं है कि इसको ऑफ या ऑन कैसे करते हैं। अगर आपको पता होगा तो बता देना बाय डिफॉल्ट बटन कौन सा है। मैंने की कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए, कुछ भी नहीं किए इनफैक्ट। तो जो भी होगा वो डिफॉल्ट सेटिंग होगा, तो उसमें से अगर आपको की पता होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। अभी हालांकि मेरी ड्राइविंग थोड़ी काफ़ी सुधर चुकी है, इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्लीन से निकाल लूँ और ज़्यादा एक्सीडेंट ना हो मेरे से। और आप लोगों ने मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में, उनकी खूबी के बारे में बताया था। आपने माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन तीनों के बारे में बताया था कि उनकी खूबियां क्या क्या है। ओ भाई, ओ माय गॉड, मैंने एक डॉगी को कुचल दिया। सॉरी भाई, सॉरी। सामने कई गाड़ियां रुकी हुई थी और बगल से जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने पेडेस्ट्रियन वाला रास्ता लिया था।
तो वो रही गाड़ी, वो अब उसका पीछा करना है हमको। तो एक बड़ी गाड़ी है जिसमें हमारा याच है, यानी माइकल का याच है, और उसी में शायद जिमी होगा। तो अभी हमें को पीछा करना है। लिखा है गेट फ्रैंकलिन क्लोज टू द याच। ओके, मुझे ड्राइव करना है याच के एकदम पास में ताकि फ्रैंकलिन उसमें कूद सके। ओके भाई, इधर उधर घूम रहा है भाई। ओहो गाड़ी इधर उधर जा रही। ओह माय गॉड, आराम से आराम से, मुझे बस एकदम पीछे रखना है उस गाड़ी के। आई नो कि उसके जस्ट पीछे रखूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर गाड़ी से टक्कर भी होती है उसकी दूसरी तो इधर उधर जाएगी। यस मैं एकदम पास में हूँ और चढ़ गया फ्रैंकलिन। गुड, ओह माय गॉड, बढ़िया। ओ भाई, अरे यार मेरे को मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है। मेरे को याच के एकदम पीछे पीछे रहना होगा। ओ भाई वो साइड वाले से गई है। ओके तो यहाँ से उसका पीछा करना पड़ेगा। मेरे को याच को अपने आंखों से ओझल नहीं होने देना है। वो सामने जा रही है गाड़ी और फ्रैंकलिन उसमें चढ़ा हुआ है और वो ढूंढेगा मेरे ख्याल से जिमी को। अभी हम उसके जस्ट पीछे पीछे में हैं। ओ भाई गई, कैसे चल रही गाड़ी। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसके जस्ट पीछे पीछे लगाने की। गाड़ी सामने जा रही हो भाई, एकदम पास में आ गया। ओह अरे फ्रैंकलिन लड़ रहा है, ऊपर चढ़ गया है और किसी से लड़ाई कर रहा है वो। ऊपर उनको गुंडे मिले लगता है। अभी हम, ओ भाई उसने तो एक जन को फेंक भी दिया। बढ़िया, एक और है उससे लड़ाई करने के लिए। देखिए वहाँ पर वो ऊपर में लड़ाई कर रहा है। इस केस में शायद हम कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं, अगर हम चाहें शायद कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं। अब ओके, अब फ्रैंकलिन को हमारी ज़रूरत पड़ी है तो अभी हमको गन चलाना पड़ेगा। ओहो अब गाड़ी और गन दोनों एक साथ ही काम करना पड़ेगा। तो मुझे शूट करना है वो सामने वाला जो आदमी है जो फ्रैंकलिन को मार रहा है, फिर उसके बाद फ्रैंकलिन बच सकता है। जो चेज द याच लिखा हुआ है, मुझे बस याच के जस्ट पीछे पीछे ड्राइव करना है ताकि भाई मैं फ्रैंकलिन को बचा सकूं। फ्रैंकलिन अभी एक आदमी से लड़ रहा है वहाँ पर। ओहो एक को तो उसने पहले ही फेंक दिया था, अभी दूसरा आदमी है जिसे लड़ रहा है। ओ भाई, ओ ये तो जिमी है एक्चुअली में। ओ उसके पीछे एक और आदमी है, देखिए। ओ भाई लटका दिया उसने। ओहो अभी मेरे को ऐसा करना है कि जिमी को बचाना है। जिमी को बचाने के लिए मुझे इसके पैरेलल में ड्राइव करना पड़ेगा और जस्ट जिमी के नीचे आना पड़ेगा। ओह एक और फेंकाया। ओ भाई गाड़ी आते जा रही है। ओ माय गॉड कैसे करूंगा मैं। ओ बच गया। ओ लकीली जस्ट नीचे जंप किया जिमी ने और एकदम राइट टाइम पे। तो अभी मुझे अब क्या करना है, मुझे ओ भाई एक और फेंकाया। तो अभी मेरे को जस्ट इसके पीछे पीछे ड्राइव करना है ताकि फ्रैंकलिन वापस हमारे गाड़ी में आ सके, क्योंकि हमारा काम तो हो गया भाई। हमने जिमी को बचाना था, जिमी को बचा लिया। अब फ्रैंकलिन भी हमारे गाड़ी में आ चुका है। बढ़िया, अब हम पीछा करेंगे याच का और छोड़ेंगे नहीं उसको। ओ भाई याच तो बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रही है, अभी उसका पीछा करना पड़ेगा। तो बहुत तेजी से वो आगे बढ़ते जा रही है। ओ भाई ये क्या हुआ, ये क्या हो गया गाड़ी को। ओ भाई पूरी स्पीड खत्म हो गई, लगता है गाड़ी खराब हो गई। एंड वक्त पे गाड़ी ने धोखा दे दिया। ओ माय गॉड, तो अब लिखा है गो टू लॉस सैंटोस कस्टम्स। ओके अब हमें इसे गैराज में ले जाना पड़ेगा और इसका कस्टम मेड यानी इसको ठीक करवाना पड़ेगा। मुझे मालूम है GTA में कस्टम शॉप्स होते हैं जिसमें आपकी गाड़ी को आप अमेंड करा सकते हैं, उसको कस्टमाइज करा सकते हैं, उसमें नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, चाहे वो उनका एक्सटर्नल पार्ट्स हो या तो चाहे इंजन से रिलेटेड काम हो, सब काम उसमें हो सकता है। तो अभी हमको अपनी गाड़ी को रिपेयर कराना है। तो ये मैप में जगह दी हुई है, ये एक्चुअली माइकल की गाड़ी नहीं है, ये अमांडा की गाड़ी है और अमांडा मेरे ख्याल से माइकल की वाइफ है आई थिंक। तो इसको तो रिपेयर कराना ही पड़ेगा। ओ भाई कितना ट्रैफिक है यहाँ पर, हम लोग लगता है बहुत बिजी वाले लेन में चले गए हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं भाई, जगह तो दो, कहाँ से जाऊँगा मैं। आई थिंक दिस गोना टेक सम टाइम। ओ भाई क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, देखिए पूरा स्पीड को स्लो कर दिया। आगे बढ़ो, अरे जाने दो, अभी भी काफ़ी दूर है जहाँ तक हमको जाना है। ओ भाई ये तो यहाँ से ओवरटेक भी करने नहीं दे रहा यार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा टफ है, इसमें WASD से आप ड्राइव करते हैं और लेफ्टी में ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि अपन राइटी हैं, मैं तो कम से कम राइटी हूँ। फिर भी अब इसकी आदत बनती जा रही है, अब थोड़ा स्मूथली ड्राइविंग हो रहा है एक्चुअली में। तो अभी हम चलते हैं और ओ भाई एक और गाड़ी, अरे कहाँ से जाऊँ समझ नहीं आ रहा मेरे को। अपोजिट लेन से जाऊँगा तो भाई टक्कर हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे ट्रैफिक है, अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। लॉस सैंटोस इज अ वेरी बिजी प्लेस भाई, बहुत बिजी प्लेस है लगता है।
इतनी सारी गाड़ियां चलती हैं। ओह अब जगह मिला है, अब बढ़िया जगह मिला है, अब जल्दी से जा सकते हैं। वैसे भी कार की स्पीड बहुत स्लो हो चुकी है क्योंकि गाड़ी का तो काम हो चुका है भाई, इसको तो रिपेयर करवाना पड़ेगा। ओ भाई मैंने सोचा था कि ओवरटेक करूंगा, फिर ये लाल वाली गाड़ी सामने आ गई। अभी वो जगह ज़्यादा दूर नहीं दिख रही है, बस ये ट्रैफिक के कारण मैं रुक रहा हूँ, वरना तो हम कब का वहाँ पहुँच जाते। तो भाई जगह दे जगह दे। यहाँ टीवी लगा हुआ है, ओके साइन बोर्ड था टीवी का और फ्रेम था टीवी का एक्चुअली में। तो फिर अब यहाँ आगे चलते हैं, बढ़िया अब खाली जगह मिली है, अब हम तब तेज़ी से जा सकते हैं। यहाँ पर सामने से एक लेफ्ट लेना है, यहाँ से लेफ्ट आएगा और उसके बाद में फिर एक लेफ्ट लेना है आगे से। इसमें मैंने GTA में देखा है कि रेसिंग भी होती है, मेरे ख्याल से ऑनलाइन में होती है, पर मेरा जो वर्ज़न है वो ऑनलाइन वाला है नहीं, क्योंकि भाई मैं ख़रीदा नहीं हूँ उस गेम को, इसको मैंने डाउनलोड किया है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि भाई ऑनलाइन में जाकर मेरा ID बैन हो जाए या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए GTA ऑनलाइन वाला मैंने लिया नहीं, और अभी ऑनलाइन में इसमें जा भी नहीं सकता। वरना उसका ऑनलाइन वाला मोड काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, उसमें बहुत सारे कस्टम मेड गेम्स है, कुछ भी कर सकते हैं उसमें आप, उसके बहुत सारे सर्वर बने हुए हैं। तो अभी अपन चलते हैं आगे, और थोड़ी दूर है बस, सामने ही है, बस आ गया, ये है सामने। तो इस गैराज में अपन को अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाना पड़ेगा, ऑटो रिपेयर्स लिखा हुआ है। ओ भाई लगता है माइकल यहाँ से जा रहा है और हमको ही कार रिपेयर करवा के भेजना पड़ेगा। तो ओ भाई जिमी हमारे साथ ही है। इसमें जो मैंने पहले भी कहा था, कैरेक्टर का जो ट्रांजिशन है वो बहुत स्मूथ है। मतलब अब देखिए, मैं स्टार्ट किया था खेलना फ्रैंकलिन से, फिर अचानक मैं माइकल बन गया, फिर मैं कार ड्राइव करने लगा एज अ माइकल, फिर जब हम कार ड्राइव करके आए तो फिर वापस मैं फ्रैंकलिन बन गया। तो इसका जो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है काफ़ी स्मूथ है। तो ये है कस्टम्स लॉस सैंटोस का, यहाँ पर हम अपनी गाड़ी को रिपेयर करा सकते हैं, कस्टम करा सकते हैं, कलर चेंज करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें का ऑप्शन है यहाँ पर। जैसे अगर आपने कोई भी रेसिंग गेम खेली होगी जैसे कि NFS वगैरह, तो उसमें ये ऑप्शन रहता था। मैंने तो खेली है भाई, मैंने बहुत कार रेसिंग गेम खेली है, खासकर NFS सीरीज़ में मोस्ट वॉन्टेड मेरा फेवरेट गेम था। हो कार का क्या हालत हो चुकी है, पूरे स्क्रैचेस लगे हुए हैं, इसको फ्री में रिपेयर कर सकते हैं। ओके हमने फ्री में रिपेयर कर दिया है और अब इसमें हम पैसे खर्चे नहीं करने वाले क्योंकि ये अमेंडा की गाड़ी है। वाओ गाड़ी फ्री में रिपेयर होगी, सोचिए। अभी मेरा एक दूसरा इशू था जो कि मेरा जो एंगल वाला था, कैमरा एंगल वाला था, वो भी सॉल्व हो चुका है। एक्चुअली ये माउस से कंट्रोल होता है, तो दोनों आपको ड्राइविंग करते समय माउस को भी बराबर रखना पड़ेगा, तभी ये बराबर कंट्रोल होगा, वो मुझे पहले नहीं पता था। तो अभी जो इश्यू था कैमरा एंगल वाला, वो भी सॉल्व हो चुका है, तो अभी बराबर सब काम लाइन पे आता जा रहा है इसमें। तो अब छोड़ना है फ्रैंकलिन को, जिमी को घर, तो अभी उसके लिए हम वापस जा रहे हैं उसके घर में, माइकल के घर में जा रहे हैं हम लोग। तो रिपेयर होने के बाद देखिए कार की स्पीड क्या बढ़ गई है, बेहतरीन हो गई है कार, एकदम पहले जैसी, एकदम धुआंधार स्पीड में चल रही है, पहले तो बैलगाड़ी बन गई थी। और फिर से ट्रैफिक, बाप रे कितना ट्रैफिक है यार, ये टकरा गई हो भाई, मैं नहीं चाह रहा था कि टकरा जाऊं, तो यहां से निकलना पड़ेगा। ये अब स्मूथ जगह है, आराम से निकल सकते हैं यहां पर। बस मेरे ख्याल से जिमी को बचाने के बाद हम जाएंगे माइकल के घर में, उसके बाद ये मिशन तो हो जाएगा कम्प्लीट। इस मिशन का नाम है फादर एंड सन, फादर/सन है इसका नाम। तो GTA 5 के हर मिशन का अपना एक नाम होता है, और जैसे ही आप पास करते हैं उसमें आप उस मिशन का नाम आपको दिखाई देता है। तो मैं भी कोशिश करता हूं कि अपने जो टाइटल है उसमें उस मिशन का नाम लिखूं, ताकि आपको स्पेसिफिक पता चले कि किस पार्ट में मैंने किस मिशन को खेला हुआ है। तो ये GTA 5 के सभी मिशन को मैं कंप्लीट करूंगा, ये पूरे जो सीरीज़ है उसमें। और GTA 5 में फिर उसके बाद बहुत सारे मॉड्स हैं, इतने सारे मॉड्स हैं कि मैं क्या बताऊं। 3-4 तो मैंने भी करके रखे हुए हैं, उनको मैं जल्दी ही लाने वाला हूं। मैं सोच रहा हूं कि ऑगी को भी GTA 5 में लाऊं। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑगी के अलावा मेरे पास जैक है, जैक के अलावा मेरे पास शिनशैन है, मैं कोशिश करूँ। भाई ये अचानक कहाँ से आ गया, मैं जितना ही स्मूथली चलाने का कोशिश कर रहा हूँ बीच में हर कोई आ जा रहा है। तो मैं डोरेमोन की भी कोशिश करूँगा, तो भाई कहाँ से। तो आप बताइएगा कि आपको मॉड्स कैसे लगते हैं और ये सब को मैं लाऊं कि नहीं लाऊं।
तो फाइनली हम जिमी को लेके पहुंच गए माइकल के घर में और हमारा जो मिशन है वो यहाँ पर आके होता है खत्म। बस अब जिमी वापस अपने घर जाएगा, हम अपने घर जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा मिशन पास। आई थिंक यहाँ पर जिमी का कोई दोस्त नहीं है और फ्रैंकलिन को वो रोल मॉडल समझता है और उसको अपना दोस्त बनाना चाह रहा है, लेकिन फ्रैंकलिन यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एक बच्चे के साथ दोस्ती करने में क्योंकि वो उसके फादर को अपना गुरु मानता है। तो यहाँ खत्म होता है याला मिशन और ये हो गया मिशन पास्ड। आजा भाई, यस मिशन पास्ड हो गया और ये था फादर स्लैश सन। तो ये था भाई वीडियो, होप ये आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।